स्टूडेंट्स देखिए कृषि प्रयोग के कुल कितने पद सर्जित हुए हैं उसी से संबंधित देखिए न्यूज है दोस्तों। जयपुर का दैनिक भास्कर ये न्यूज़पेपर है और दोस्तों उसी में देखिए न्यूज आई है। देखिए राज्य सरकार ने दी 421 नए किसान सेवा केंद्र व कृषि प्रयोग के नवीन पदों को स्वीकृति। देखिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 421 नए किसान सेवा केंद्र एवं कृषि प्रयोग के नवीन पदों की स्वीकृति जारी की है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में गत 15 सितंबर को 1000 नवीन कृषि प्रयोगशकों के पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया गया था। कब दोस्तों? 15 सितंबर को। देखिए उसी क्रम में 421 ग्राम पंचायतों में नए किसान सेवा केंद्र एवं कृषि प्रयोगशकों के पदों की स्वीकृति जारी की है। इन नए केंद्रों के खुलने से किसानों को घर के नजदीकी विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। देखिए तो दोस्तों कुछ ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने किसान सेवा केंद्र खोले जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं ये। बाकी देखिए आगे दे रखा है कि देखिए दोस्तों नए किसान सेवा केंद्र एवं कृषि प्रयोगशक के नवीन पदों की स्वीकृति जारी की गई है। तो दोस्तों देखिए गवर्नमेंट की तरफ से है स्वीकृति जारी कर दी गई है। कितने दोस्तों? 1000 तो कृषि प्रयोगशक के पद है और 421 किसान सेवा केंद्र है। अब देखिए स्टूडेंट्स अब जो ये 1000 पद है ये देखिए न्यू वैकेंसी आएगी या इसी में ऐड होगा, तो देखिए ये यार कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि न्यू वैकेंसी निकालते हैं या इसी में ऐड करते हैं। आप वेट करिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, रेगुलर रखिए दोस्तों, क्योंकि यार देखिए जो MPUT यूनिवर्सिटी है उसने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और जोबनेर वाली यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि देखिए वो भी वैकेंसी निकालने वाले हैं। देखिए उन्होंने बता भी दिया कितने पोस्ट पर वो वैकेंसी निकालेंगे। इसके अलावा दोस्तों और जो 3 यूनिवर्सिटी बच गई उनमें भी हो सकता है दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए सुपरवाइजर की और अदर पोस्ट पे। तो बस इतना ही कहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखिए, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, हो सकता है न्यू वैकेंसी आ जाए, तो आप अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखिएगा दोस्तों। इतना ही आज के वीडियो में, और कोई अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत दे देंगे। जय हिंद जय भारत।